मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आपका कीमती समय होते हुए आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहां पे मौजूद है। जैसे आप सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी मेहनत की है जो कोरोना की दूसरी लहर को खत्म करने के लिए और नियंत्रण पाने के लिए, और जम्मू के अंदर पिछले दो महीने से काफी दुख रहा और कई लोग हमारे से दूर चले गए। फेडरेशन की तरफ से उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने समक्ष जैसी स्कीम जो है हमारे कोरोना पीड़ित लोगों को दी है। स्कीम के तहत जो कोरोना परिवार से चले गए हैं, जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं रहा है, उनको मंथली पेंशन देने की योजना दी है और उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी गई है। ट्रेडर फेडरेशन हमेशा सरकार का साथ निभाती रही है, साथ देते रही है। जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी देखी गई, तो हमारी फेडरेशन ने 3 वार रूम जो है बनाए और 3 वार रूम के तहत हमने ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए और बाईपैप मशीनें और राशन वार रूम के तहत और मेडिसिन वार रूम। आपके माध्यम से ये बताते हैं हमें खुशी है कि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर के तहत 495 लोगों तक हमने पहुंचाया और राशन वार रूम के तहत 5000 फैमिलियों को हमने राशन पहुंचाया। मैं समझता हूं एक छोटी सी पहल और ट्रेडर फेडरेशन की तरफ से की गई है और जिस तरह से हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय साहब ने ट्वीट करके दुकानों में रश कम कर पहल करके वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत की थी और अब सरकार ने पूरा हफ्ता खोलने का मौका दिया है, हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन आपने देखा कि परसों जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट का जो केस पाए गए, और इससे ये लगता है कि खतरा अभी बरकरार है। तो उसी को देखते हुए हमारी ट्रेडर फेडरेशन ने वीकेंड लॉकडाउन की जो वो जारी रखने का फैसला किया है, मतलब कल शनिवार और एतवार को हमारा वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। ये 3 हफ्ते जो है बरकरार रहेगा और 3 हफ्ते के बाद हम रिव्यू करेंगे इस फैसले को। लेकिन देखा जाए जिस तरह से पहली लहर कोरोना की आई तो उस समय जो जब स्थिति सामान्य हो गई तो हम लोग कैजुअल हो गए और उसी का नुकसान जो है दूसरी लहर को देखने को मिला। और जब अब दूसरी लहर निरंतर है और मैं समझता हूँ रोकथाम की ओर है, आपके माध्यम से जनरल पब्लिक से भी अपील करूंगा कि उसको कैजुअल में ना ले, सोशल डिस्टेंसिंग में रहे, मास्क डाले और खास कर और बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दे कि अब ये सुनने को आ रहा है जो तीसरी लहर है बच्चों के लिए खतरनाक है। लॉकडाउन की शुरुआत की है और ताकि जो सोसाइटी के ऊपर जो खतरा है वो थोड़ा कम रहे और लोग अवेयर रहे कि जो वीकेंड लॉकडाउन जो सैटरडे संडे को हमारा जारी रहेगा और 3 हफ्तों के लिए जो है जारी रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। और मैं समझता हूं और हम 3 हफ्ते के बाद इसको हम रिव्यू करेंगे, इसको हमने जारी रखना है या बंद करना है। थैंक यू वेरी मच।